हल्लेलुया 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 ग्लोरी 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 रक्तम जय ग्लोरी हबरी बहुल रिखरबरिक्तम जय धन्यवादीशु 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 ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जी हम धन्य मारते पिता इन सारे बातों के लिए पिता, रात को सुनाए दिया पिता, एक नया दिन दिखाए जीवतों के पिता, हम सबको जीवित रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों चघाते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों चघाते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद पिता, एक नया दिन दिखाया पिता, इस बात के लिए हम धन्यवाद हम प्रार्थना करते पिता, इन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना को देख रहे प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता, ये प्रार्थना जिस घर में जिस जगह में चल रहे पिता, उस घर को जगहों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना सुनने वाले देखने वाले व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उन सबको पंखों तेरे छुपाए रहे पिता परमेश्वर, दिन भर अपने पंखों तेरे छुपा रहे पिता परमेश्वर, कोई महामारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। ग्लोरी 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 प्रभु जी, हम सुबह प्रार्थना करते हैं पिता, इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबके जीवन तो अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है, धन्यवाद हैं, उनके बंद रास्ते को खोलने जा रहे हैं, उनको चिंताओं को दूर करने जा रहा है, बोझों को खत्म करने जा रहा है, हम धन्यवाद हैं। जितने भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु, उनके चिंता को दूर कर रहा है, बंद रास्ते को खोल रहा है, आपके लिए नया नया मार्ग कोई बना रहा है, विश्वास कर प्रार्थना देखिए, प्रार्थना आपके घर आपके परिवार के लिए की जा रही है, बाइबल कहती है विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, इन सब की चिंताओं को दूर किया पिता, बंद रास्ते को खोला, नया मार्ग को बना के दिया, हम धन्यवाद हैं। जो बीमार पड़े हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना जिस घर में चल रहे पिता, उस घर के चारों तरफ बांधते हैं, हर एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं पियो बीमार पड़े हैं, घुटनों पे आइए, आंसुओं की ईमानदारी के सच्चाई के उससे प्रार्थना कीजिए, जो भी गुनाह हुए जो पाप हुए प्रभु से माफी मांगिए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, उसके वचनों पे चलिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन सबको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर पिता, इनको अपने राज का वारिस बना प्रभु जी, यही हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पियो घुटनों पे आइए, आंसुओं आते हुए पापों की क्षमा उससे मांगी, प्रभु दयालु है कारी है, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, ये जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे पिता, उनके जीवन तो कार्य करने जा रहा है, धन्यवाद है पिता, इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल एक नया शक्ति एक नया सामर्थ्य जब पवित्र आत्मा के द्वारा, इन सबको हम तेरे नाम से पिता चंगाई की घोषणा करते हैं, इन सबको चंगाई प्रदान किया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर डरे हुए हैं सहमे हुए हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मैं पियो परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है, हम डरने वाले नहीं बल्कि हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, हम डर नहीं, हमें डरना नहीं है किसी बातों की, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, भय से इंकार में हमें क्लेम करना है, वो हमारा रक्षक है, वो हमें बहेलियों के जाल से हर एक बीमारी से हर एक रोगों से बचाने के लिए तात्पर्य है मेरे पियो पिता, इन सबको तू आशीष दिया पिता धन्यवाद। जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं बड़े बोझ के साथ पिता, उनके जीवन तो अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है, हम धन्यवाद हैं प्रभु जी, इन सब भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और जिस जगह में रह कार्य करते हैं उस जगह तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता, जो बीमार पड़े उन चंगाई की घोषणा करते, जो समस्याओं में घिरे पिता हर एक समस्याओं को हम उनके जीवन से उनके घर से हम निकाल फेंकते हैं, हम भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, भारत देश में चंगाई का सामर्थ्य प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर, भारत देश को इस महामारी से आजादी की घोषणा करते हैं पिता, हर एक महामारी हर एक बीमारी पिता परमेश्वर ये भारत देश से दूर हो जाए, यीशु के लहू में जल के शून्य हो जाए पिता परमेश्वर, इन सब को चंगाई प्रदान किया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर
उन सारे भाई बहनों के जो महामारी से बीमार पड़े हैं, बीमारी बीमार है पिता परमेश्वर, उन सारे व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और दुनिया कोने में पिता परमेश्वर भारत के कोने कोने पिता परमेश्वर रहकर इलाज कर रहे हैं पिता, उन जगहों को उन व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, उनको पिता परमेश्वर हम तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं पिता, तेरी चंगाई का सामर्थ्य पिता वहाँ प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर, उन सबको चंगाई दिया धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, इनके परिवार के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हो पिता परमेश्वर, इस महामारी से बीमार ना पड़ने पाए पिता, इन सब को चंगाई प्रदान किया, सुरक्षित रखा, धन्यवाद देते हैं। हर एक नर्स स्टाफ को पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल स्टाफ को पिता, डॉक्टर्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ओ इस महामारी से ग्रसित ना होने पाए पिता, इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष करते हैं पिता, अपने पंखों तेरे छू पाए रहे पिता, कोई महामारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए, तूने ऐसा कर दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता विदेश के लिए पिता, पूरे संसार पूरी दुनिया के लिए पिता, चंगाई का सामर्थ्य पिता परमेश्वर पूरी दुनिया में प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर, पूरे दुनिया से पिता परमेश्वर इस महामारी को हम निकाल फेंकते हैं, जला के शून्य करते हैं और आजादी की घोषणा करते हैं, पूरे संसार इससे आजाद हो चुका है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। जो इस महामारी से ग्रसित है उनको हम चंगाई की घोषणा करते हैं, तूने ऐसा कर दिया पिता, धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। मैं पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ गिराते हुए उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, जो विश्वास करता है प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखेगा। जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता मेरे पियो, उससे प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु हमें उस प्रार्थना के द्वारा आशीष प्रदान करे। सबको तू आशीष दिया, धन्यवाद प्रभु। जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं, बुरी आत्माओं में, अंधकार के आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता, उन सबको हम तेरे नाम से आशीष करते हैं पिता, तेरी चंगाई का सामर्थ्य उनके सही प्रभावित हो जाए पिता। हर एक बंधन ईश्वर सिंह के नाम में तोड़ते हैं, हर टोहेद की आत्मा, बुरी आत्मा ईश्वर सिंह के नाम में इनके जीवन सिंह के घर से हम निकाल फेंकते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं, इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं पिता। जो भाई बहन पिता तेरे कार्य तेरे प्रचार कर अपने हाथ को बढ़ाए हैं, उन सबको आशीष प्रदान कर, वचन को सर 100 गुना उनके जीवन में आशीष उड़ने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं पिता। इन सबको आशीष दिया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया पिता, हर चिंताओं से मुक्त दिलाया पिता, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चले उस घर के चावल तो बांधते हैं, जनों घर व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने लहू से ढक कर पिता परमेश्वर, कोई बीमारी कोई बीमारी इनको छू भी ना पाए, तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद प्रार्थना धन्यवाद प्रार्थना पिता पुत्र पुत्र आत्मा की समर्थ नाम यीशु नाम मांगते शून्य दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो विश्वासपूर्वक प्रार्थना को देखिए, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करने जा रहा है। बाइबल कहती है विश्वास करोगे प्रभु की महिमा को देखोगे, बाइबल भी कहती है प्राण दें तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट को दूंगा। अगर हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है मेरे पियो, तो हम अंतिम क्षण तक हम विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। प्रियो को सब जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया 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 हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, रक्तम जयम ग्लोरी, हबरी बहुल रब रिख रब रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु, ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जी हम धन्यवाद थे पिता इन सारे बातों के लिए पिता, रात को सुनाए दिया पिता, एक नया दिन दिखाया जीवितों के पिता, हम सबको जीवित रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद बलिदान चंडुम चघाते हैं, सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चंडुम चघाते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद ते पिता, एक नया दिन दिखाया पिता, इस बात के लिए हम धन्यवाद। हम प्रार्थना करते पिता इन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना को देख रहे प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता, ये प्रार्थना जिस घर में जिस जगह में चल रहे पिता, उस घर को जगहों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना सुनने वाले देखने वाले व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उन सबको पंखों तेरे छुपाए रहे पिता परमेश्वर, दिन भर अपने पंखों तेरे छुपा रहे पिता परमेश्वर, कोई महामारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु जी हम सुबह प्रार्थना करते हैं पिता इन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबके जीवन तो अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं, उनके बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, उनको चिंताओं को दूर करने जा रहा है, बोझों को खत्म करने जा
जा रहा है। हम धन्यवाद हैं जितने भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु उनके चिंता को दूर कर रहा है, बंद रास्ते को खोल रहा है, आपके लिए नया नया मार्ग को ही बना रहा है। विश्वास कर प्रार्थना देखिए, प्रार्थना आपके घर आपके परिवार के लिए की जा रही है। बाइबल कहती है विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, इन सब की चिंताओं को दूर किया पिता, बंद रास्ते को खोला, नया मार्ग को बना के दिया। हम धन्यवाद हैं, जो बीमार पड़े हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना जिस घर में चल रहे पिता, उस घर के चारों तरफ बांधते हैं, हर जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे पियो बीमार पड़े हैं, घुटनों पे आइए, आंसुओं की ईमानदारी के सच्चाई के उससे प्रार्थना कीजिए। जो भी गुनाह हुए, जो पाप हुए, प्रभु से माफी मांगिए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, उसके वचनों पे चलिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन सबको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर पिता, इनको अपने राज का वारिस बना प्रभु जी, यही हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पियो घुटनों पे आइए, आंसुओं गिराते हुए पापों की क्षमा उससे मांगिए। प्रभु दयालु कारी है, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे पिता, उनके जीवन तो कार्य करने जा रहा है, धन्यवाद है पिता। इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य जब पवित्र आत्मा के द्वारा इन सबको हम तेरे नाम से पिता चंगाई की घोषणा करते हैं, इन सबको चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। मैं पियो परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है, हम डरने वाले नहीं बल्कि हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। हम डर नहीं, हमें डरना नहीं है किसी बातों की, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। भय से तो इंकार में हमें क्लेम करना है, वो हमारा रक्षक है, वो हमें बहेलियों के जाल से, हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से बचाने के लिए तात्पर्य है मेरे पियो पिता। इन सब को तू आशीष दिया पिता, धन्यवाद। जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं बड़े बोझ के साथ पिता, उनके जीवन तू अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है, हम धन्यवाद हैं प्रभु जी। इन सब भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और जिस जगह में रह कार्य करते हैं उस जगह में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। जो बीमार पड़े उन चंगाई की घोषणा करते, जो समस्याओं में घिरे पिता, हर एक समस्याओं को हम उनके जीवन से उनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। हम भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, भारत देश में चंगाई का सामर्थ्य प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर। भारत देश को इस महामारी से आजादी की घोषणा करते हैं पिता, हर एक महामारी हर एक बीमारी पिता परमेश्वर ये भारत देश से दूर हो जाए, यीशु के लहू में जल के शून्य हो जाए पिता परमेश्वर। इन सब को चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सारे भाई बहनों के जो महामारी से बीमार पड़े हैं, बीमारी बीमार है पिता परमेश्वर, उन सारे व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और दुनिया कोने में पिता परमेश्वर भारत के कोने कोने पिता परमेश्वर रहकर इलाज चल रहे हैं पिता, उन जगहों को उन व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, उनको पिता परमेश्वर हम तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। तेरी चंगाई का सामर्थ्य पिता वहाँ प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर, उन सबको चंगाई दिया, धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, इनके परिवार के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हो पिता परमेश्वर, इस महामारी से बीमार ना पड़ने पाए पिता, इन सब को चंगाई प्रदान किया, सुरक्षित रखा, धन्यवाद हैं। हर एक नर्स स्टाफ को पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल स्टाफ को पिता, डॉक्टर्स को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ओ इस महामारी से ग्रसित ना होने पाए पिता। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की समर्थ्य नाम में हम आशीष करते हैं पिता, अपने पंखों तेरे छू पाए रहे पिता, कोई महामारी कोई मारी को छू भी ना पाए, तूने ऐसा कर दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता विदेश के लिए पिता, पूरे संसार पूरी दुनिया के लिए पिता, चंगाई का सामर्थ्य पिता परमेश्वर पूरी दुनिया में प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर, पूरे दुनिया से पिता परमेश्वर इस महामारी को हम निकाल फेंकते हैं, जला के शून्य करते हैं और आजादी की घोषणा करते हैं। पूरे संसार इससे आजाद हो चुका है पिता, हम धन्यवाद हैं। जो इस महामारी से ग्रसित है उनको हम चंगाई की घोषणा करते हैं, तूने ऐसा कर दिया पिता, धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। मैं पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ गिराते हुए उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। जो विश्वास करता है प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखेगा,
जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता मेरे पियो, उससे प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु हमें उस प्रार्थना के द्वारा आशीष प्रदान करे। सबको तो आशीष दिया, धन्यवाद प्रभु। जो दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं, बुरी आत्माओं में, अंधकार की आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता, उन सबको हम तेरे नाम से आशीष करते हैं पिता। तेरी चंगाई का सामर्थ्य उनके सभी प्रभावित हो जाए पिता। हर एक बंधन ईश्वर सिंह के नाम में तोड़ते हैं। हर टोहेद की आत्मा, बुरी आत्मा ईश्वर सिंह के नाम में इनके जीवन सिंह के घर से हम निकाल फेंकते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं पिता। जो भाई बहन पिता तेरे कार्य से प्रचार कर अपने हाथ को बढ़ाए हैं, उन सबको आशीष प्रदान कर, वचन को सर 100 गुना उनके जीवन में आशीष उड़ने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं पिता। इन सबको आशीष दिया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया पिता, हर चिंताओं से मुक्त दिलाया पिता, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चले उस घर के चावल तोड़ बांधते हैं, जनों घर व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने लहू से ढक कर पिता परमेश्वर, कोई बीमारी कोई बीमारी इनको छू भी ना पाए, तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रार्थना पिता, पुत्र पौत्र आत्मा की समर्थ नाम यीशु नाम मांगते हैं, शून्य दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो विश्वासपूर्वक प्रार्थना को देखिए, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करने जा रहा है। बाइबल कहती है विश्वास करोगे प्रभु की महिमा को देखोगे, बाइबल ये भी कहती है प्राण दें तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट को दूंगा। अगर हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है मेरे पियो, तो हम अंतिम क्षण तक हम विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। गॉड ब्लेस यू।